सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जस कुटावाला फ्रॉम पिक सीरीज एंड आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग लेके आया हूँ। इस सॉन्ग का नाम है दिल लौटा दो, जो अभी अभी जुबिन नौटियाल सर का आया है। सो आज उसको सीखेंगे, सो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स टू किंडम म्यूजिक। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले चेक कर लेते हैं हमने कौन सा स्केल यूज किया है। स्केल इज डी माइनर। अब स्केल के नोट्स कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। मतलब स्केल के नोट्स, मतलब मेजर माइनर स्केल्स कैसे फाइंड करते हैं उसके, वो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। सो फर्स्ट लाइन, हियर इट गोज। ओके, सो ये फर्स्ट लाइन है। यहाँ पे हमने डी माइनर एंड सी यूज किया, उसके नोटेशन को देखते हैं। पहले ए से स्टार्ट करना, फिर डी माइनर प्ले करना। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट लाइन फिर से एक बार देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट लाइन, ओके, सो यहां पे ए शार्प एंड ए माइनर यूज किया। ठीक है, सो फिर से ई डी एफ E D C A sharp A। ठीक है, आप पूरा देख लेते। ओके, अब नेक्स्ट लाइन जो होगी, नेक्स्ट लाइन फिर से सेम होगी। दैट इज, ये देखो मैं प्ले करके बताता हूँ, यहाँ पे लिरिक्स भी डिस्प्ले हो रही होगी तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे, मतलब कौन सी लाइन है और वहां पे कौन से नोट्स यूज किए। ठीक है, सो नेक्स्ट भी सेम होगी। दैट इज, ओके, यहां तक देख लिया। नाउ नेक्स्ट लाइन जो होगी, दैट इज नेक्स्ट लाइन कौन सी होगी, नेक्स्ट लाइन डिफरेंट होगी। दैट इज, ये दो लाइन है। सो यहाँ पे पार्ट में डिवाइड करके सीखेंगे, मतलब दो लाइन है लेकिन इसको हम पार्ट में डिवाइड करके तीन चार लाइन में सीखेंगे। सो पहले कितना सीखना है, पहले फर्स्ट लाइन, उसमें उसको पार्ट में डिवाइड करके सीखेंगे। सो पहले कितना सीखना है, इतना। ठीक है, सो फिर से अब जो पूरी जो ये जो लाइन है उसको पूरा साथ में प्ले करते हैं। सो हियर इट गोस। नेक्स्ट लाइन, ओके, सो यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, लाइन थोड़ी बड़ी लग रही होगी लेकिन बहुत ही सिंपल है, मतलब आगे जा रहे हैं पीछे आ रहे हैं ऐसा एकदम सिंपल है। ठीक है, सो यहाँ पे ए शार्प यूज किया है। सो नोट्स देखते हैं, फिर से, अब जो नेक्स्ट लाइन होगी, दैट इज मेन, वो मेन लाइन है। सो इसको मेन लाइन को सीखते हैं सबसे पहले। मतलब ये देखो, ये लाइन को बार बार रिपीट करना है, सो मैं आपको समझाता हूँ कि कितना टाइम किस लाइन को कितनी बार रिपीट करना है। ठीक है, और फ्रेंड्स ये लाइन सीखने से पहले कि अगर आप यहाँ तक आ गए, आपने मेरे स्टाइल देखे कैसे मैं सिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप विथ नोट्स एंड कॉल्स, आपको इतना सिस्टमेटिक कहीं पर नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर आप पिक सीरीज को अभी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा कि ऐसे हमारे सिस्टमेटिक ट्यूटोरियल्स आपको मिलते रहेंगे एंड ऐसे ही आप नए नए सॉन्ग्स को जल्द से जल्द पियानो पे सीखते रहोगे विथ नोट्स एंड कॉर्ड्स। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दे रहा हूं। तो अब मैं प्ले करके बताता हूं मेन लाइन। ओके, सो ये मेन लाइन है। सो इसकी फर्स्ट लाइन देखते, दैट इज, कह दो प्यार नहीं, फिर से, फिर, ठीक है, तो चले
जाएंगे, फिर से स्लो जाते और थोड़ा, चले जाएंगे, सो पूरी होगी। कह दो प्यार नहीं, चले जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन होंगे, दैट इज देखिए नेक्स्ट लाइन भी सेम है, दिल लौटा दो मेरा चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या कह, दिल लौटा दो, इतना प्ले करने के बाद थोड़ा सा पॉज लिया है, फिर से रिपीट किया है। सो हम पहले देख लेते दिल लौटा दो में कौन से नोट्स यूज किया। सो दिल लौटा दो, एफ पे हमें स्टॉप हो जाना, ठीक है, सिंपल, दिल लौटा दो, इतना। अब इसके बाद फिर से रिपीट करना है इसको, दिल लौटा दो मेरा, ठीक, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें लाइन तो सेम ही रिपीट करनी है, बस बीच में हमें पॉज ले लेना, ठीक है। सो दिल लौटा दो, फिर उसके बाद दिल लौटा दो मेरा, सेम ही लाइन है। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन, चले जाएंगे, सिंपल, चले जाएंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने मुखड़े का पार्ट सीख लिया, ना हम मूव करते अंतरे की लाइन पे। ना अंतरे, इसमें दो अंतरे हैं, लेकिन दोनों सेम ही है, मतलब आप एक को सीख लोगे, फिर उसी, मतलब आपने एक के नोट सीख लिए, फिर वही नोट्स को आप दूसरे में रिपीट करोगे तो सेकंड अंतरा भी प्ले हो जाएगा। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने सेकंड अंतरा नहीं सिखाया, ऐसा नहीं है, आपको बस उसको रिपीट करना रहेगा, ठीक है। सो पहले हम फर्स्ट अंतरे की फर्स्ट लाइन सीख लेते हैं, सो हियर इट गोज, ओके। सो ये मेन लाइन है, इसको सीखेंगे, तो पहले इसको पार्ट में डिवाइड करके एक एक लाइन करके सीखेंगे। सो पहले कितना सीखना है, इतना, ठीक है। सो पहले कॉर्ड प्ले करना है, देन लाइन स्टार्ट करनी है, ठीक है, इतना देख लिया, फिर से, फिर कॉर्ड प्ले करना है, फिर नेक्स्ट लाइन, मतलब नेक्स्ट पार्ट प्ले करना है। और फ्रेंड्स, एक खास बात तो मैं बताना भूल ही गया कि अगर आपको ये सॉन्ग के नोटेशन फाइल चाहिए विथ नोट्स एंड कॉर्ड्स, वो भी फ्री में, तो यहाँ पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज 9106723893, ये नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कीजिए और आपको आप बता दिए कि आपको कौन से सॉन्ग की PDF चाहिए विथ नोट्स एंड कॉर्ड्स, आपको मिल जाएगी, ठीक है। सब सॉन्ग में आगे बढ़ते हैं, फिर से आप पूरी देख रहे थे, एक बार देख यहां से, ओके, मतलब ये पूरी एक ही लाइन, आपको पूरी एक ही लाइन डिस्प्ले हो रही, लेकिन मैंने इसको भी थोड़ा डिवाइड करके आपको सिखा दिया। सो ये देख लिया, नाउ नेक्स्ट लाइन, ओके। सो यहां पे ए शार्प यूज किया है और सी से स्टार्ट करेंगे, फिर से। अब ये देख लिया, इसके बाद नेक्स्ट लाइन होगी, दैट इज, अब यहां पे हमने ए शार्प वाला पार्ट ऐड किया, मतलब यहां पे छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। सो ये देख लेते एक बार, सेम, फिर देखिए अब पूरी लाइन देख लेते हैं, नेक्स्ट लाइन सेम। अब यहां पे ED लास्ट में ऐड कर दिया, सो ओके। सो पूरी लाइन देख लेते एक बार, ये जो सेकेंड लाइन से की हमने वो, ओके, तो यहां तक देख लिया ना, इसके बाद फिर से रिपीट करना है, इसके बाद कौन सी लाइन रिपीट करनी है, ये वाली देखिए, ठीक है, ये लाइन हमने सीख ली है ऑलरेडी, आप आगे जाके चेक कर सकते हो, ये वाली मैंने सिखा दी है, देखिए, अब इसके बाद मेन लाइन, दैट इज,
ठीक है। अब सेकंड एंथ्रा भी ऐसे ही ऐसे स्टार्ट करना है, दैट इज ये वाला। ओके और इसके बाद फिर से नेक्स्ट लाइन होगी, और इसके बाद फिर से जो हमने सीखा था दैट इज। तो ये थे सॉन्ग के सारे पार्ट, आई होप आपको मजा आया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ताकि यूट्यूब को पता चले कि हमारे वीडियोस में आप सबको मजा आ रहा है और आपके जैसे और भी लोगों को हमारे वीडियोस यूट्यूब पहुंचाए, ठीक है। सो मेक श्योर आप लाइक करना, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर आप पिक्सेल्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे कम्युनिटी में शामिल हो जाए और आप भी डेली हमारे साथ नए नए सॉन्ग्स को सीखते रहे, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग।